बोले बाबा की जय। मेरा नाम अनीता है, मैं हल्द्वानी से हूँ और हल्द्वानी में ही भैड़ा खान एक जगह है, वहाँ भैड़ा खान बाबा जी थे। तो हम बचपन से, हमारे पापा वहाँ जाते थे, तो पापा के साथ हम वहाँ जाया करते थे। तो हमको बहुत भैड़ा खान बाबा से मतलब बहुत लगाव हो गया था। और वो नवरात्रि में हम लोग जाते थे और जैसे सुबह फिर बाबा जी आते थे तो 4 बजे सबको उठाते थे। उसके बाद सबने स्नान करा, वो करा, फिर चंदन लगाया, फिर हम लोग आरती में जाते थे। बहुत अच्छा लगता था। और एक बार हम सूर्या देवी में 6th में पढ़ते थे तो सूर्या देवी में बाबा जी आए तो हम वहाँ गए, तो वहाँ बहुत बड़ा भंडारा हुआ। उसके बाद हम शाम को बाबा जी ने कहा कौन कौन हेड़ा खान चलेगा, तो हम लोग, हमने कहा हम भी आते, पापा भी थे, हमारी मम्मी और हमारे नाना जी, तो हमने कहा हम भी चलते हैं। तो हम सूर्या देवी से पैदल पैदल हेड़ा खान चले। सूर्या देवी से पहाड़ों से एक रास्ता है, तो वहाँ हम गए पैदल पैदल। शाम को पहुंचे तो एक वहाँ टीचर भी हमारे साथ थी, तो बाबा जी से उन्होंने कुछ बोल दिया, बाबा जी से कुछ बोला, तो वहाँ जाके बाबा जी बोले कि वो आई नहीं आई। तो सबने कहा वो तो आई नहीं। बाबा जी ने कहा कि देखो उसने क्या बोला गया, देखो अपने उससे अपने आप आएंगे। तो वो फिर रात को 12-1 बजे अपने आप भटकते भटकते पड़े, हम वहाँ आ गए। फिर हम वहाँ एक दिन रुके, उसके बाद हम घर को आ गए। फिर हम मतलब हर साल जाते थे पहले, अब फिर एक साल क्या हुआ, हम फिर सूर्या देवी गए तो वहाँ खूब बड़ा भंडारा हुआ, तो वहाँ घी कम पड़ गया घी। तो बाबा जी बोले एक भक्त भी इधर आओ, तो उन्होंने बोला क्या है, तो बोले घी कम हो गया तो गंगा जी से कहो एक कनिस्टर हमको दे दो। तो वहाँ उन्होंने कहा गंगा जी से ले आओ, वो गए गंगा जी से जल भरा और लाए तो वो घी बन गया। और तो यही हमने बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो भैड़ा खान बाबा मंदिर कहीं, तो हमने बहुत कुछ देखा। लेकिन उसके बाद फिर हम जाते रहे तो हर नवरात्रि चिन्यानौला भी गए हम। चिन्यानौला भी हम वहाँ 9 दिन की नवरात्रि रखते थे, पापा हमारे वहाँ दुकान करते थे। तो यही बहुत सारे, और इसलिए भैड़ा खान बाबा का बहुत बड़ा चमत्कार दिखता था। कभी जैसे बाबा जी यहाँ दिखेंगे तो अभी देखा तो थोड़ी दूर से दिखेंगे। हम लोग अमनस्याय का जाप करते थे। हमारे पापा तो कहते थे अगर तुम ऐसे नहीं कर सकते क्योंकि हम छोटे थे, तो हमने एक मतलब बुक ली थी कॉपी, तो हम उसमें रोज लिखा करते थे ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। तो वो कहते थे ऐसे लिख लिख के, लेकिन इससे यह है कि ओम नमः शिवाय का जाप करने से मतलब वो शक्तियाँ तो हैं भगवान की, कि उससे हर मनोकामना तो पूर्ण होती है। वो तो बहुत बार जैसे हमारी मम्मी की बहुत तबीयत खराब हो गई थी, एक बार तो हो गई थी, तो वही मतलब पापा बोलते थे बेटा ओम नमः शिवाय का जाप करो, ये भगवान है। तो हमको भी लगता था कि मतलब हम मतलब बाबा जी हमें सही करेंगे, तो हम वही वो करते थे। और जबकि मेरी जब शादी हुई, मेरी शादी फिक्स हुई तो 1 मार्च को, तो 6 दिन पहले से इतनी मतलब बारिश, और इतना मार्च के महीने में बहुत गंदा मौसम हो गया था। तो हमारे पापा ने कहा कि बाबा जी जो करेंगे वो सब सही करेंगे। तो पापा ने क्या करा, बाबा जी की वही फोटो लगा के अपना घर पे, तो वहीं पे कहा बाबा जी आप करना। लेकिन 1 मार्च की पहली रात से न बारिश न कुछ, मौसम इतना अच्छा हो गया कि बोले कि देखो ये भगवान की कृपा है। और ऐसे ही मतलब बहुत कितने कष्ट आए कहीं भी जाए, या जैसे मेरी शादी हो गई, बच्चे हैं, कभी कोई प्रॉब्लम हो गई तो मैं कहती भगवान भैड़ा खान भगवान आपको हमने मतलब भगवान माना है, और आपने हमने बहुत इच्छाएँ पूरी कर दी और हमारा सब सही कर। लेकिन ये बाबा जी हैं, लेकिन अभी भी हैं, ये नहीं है कि नहीं आएंगे, जरूर हमको लगता है। बोले बाबा की जय।